हाँ, मैंने निग्रो लुक को फॉलो किया है जैसे इन्होंने बोल दिया था, तो कोशिश कर रही हूँ कि भोजपुरी में कुछ अलग टाइप का लुक लेके आऊँ, क्योंकि वही झुमका, वही घाघरा चोली। और इम्पॉर्टेंट ये है कि सब आर्टिस्ट अपने बॉडी को पहचाने, अपने फिगर देखें। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हीरोइंस लोग, बॉलीवुड की हीरोइन लोग मोटी नहीं होती हैं, सब लोग होती हैं, बट उनको टेक्निक आना चाहिए कपड़ों में वो कैसे अपने आप को फिट करें। ये गाना रीशूट हो रहा है, ये अलग है, और मुझे बोला है डायरेक्टर सर जो है, उन्होंने मुझे बोला है कि समथिंग कुछ बॉलीवुड स्टाइल में करना है। और मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे सब लोग आए और प्रमोट करें कि अपने आप को कुछ अलग टाइप का करना है, बस हो गया घाघरा चोली एंड ऑल डिफरेंट टाइप का, तो इसलिए ट्राई कर रही हूँ। वाह, असम फीलिंग्स। मैं एज अ सेकेंड लीड उसमें काम कर रही हूँ, और हालांकि जितने लोगों ने मुझे आज तक बोला है, प्रपोजल दिया है कि एक्टिंग के लिए, तो मैं उनको सबको एक ही चीज़ बोलती थी कि मुझे एक्टिंग नहीं आता है, आई विल डू फॉर फर्स्ट टाइम, बट आप करवा सकते तो करेंगे। और वो अकेले ऐसे डायरेक्टर है जिन्होंने रिस्क पे लिया, मुझे चांस दिया, बट मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर आर्टिस्ट भी है। मैंने कर लिया, अच्छा खासा काम कर लिया मैंने। हाँ, दो गाने हैं, एक मेरा बेडरूम सीन है हॉट वाला, जो कि आइटम सॉन्ग बिल्कुल नहीं है, और दूसरा वाला शादी का गाना है, जो कि अ काइंड ऑफ आइटम सॉन्ग है। हॉट सीन एक है, ज़्यादा फेमस नहीं है वो, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो ऐसा होता है, बिना फेमस के लोगों के साथ काम करना पड़ता है। सॉरी, मेरी गलती नहीं है, बट ठीक है। ही हैज़ डन लॉट्स ऑफ लाइक एल्बम इन ओरिसा, तो किया, फर्स्ट टाइम काम किया। मेरा नाम संजय दत्ता है, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप जमशेदपुर से हूँ, और ये फिल्म मेरी दूसरी फिल्म है हबीब जी के साथ, मोहम्मद हबीब जी जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, और जी एन सिंह इस फिल्म के प्रोड्यूसर है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद उनको कि उन्होंने मुझे कास्ट किया इस फिल्म के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी एक लव स्टोरी है। और ये फिल्म समाज के लिए भी एक बोल सकते हैं कि एक मैसेज है, जो कि लव स्टोरी के थ्रू, एक फिल्म के थ्रू दिखाया जा रहा है। और ये श्रेया है जो नमस्ते मेरे साथ है। इस फिल्म के अंदर मैं एक स्कूल स्टूडेंट का भी रोल, मतलब किरदार निभा रही हूँ, और एक शादीशुदा लड़की का भी किरदार निभा रही हूँ। तो मेरे लिए बहुत टफ रहा, बट बहुत अच्छा किया मैंने, सबसे कमेंट्स अच्छे ही मिले। हाँ, हम दोनों ने बहुत कोऑपरेटिव किया एक दूसरे को, और बहुत अच्छे से किया सीन, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और ये मतलब एक फ्रेंडली नेचर था, जब शूटिंग के दौरान भी हमेशा एक फ्रेंडली नेचर था, क्योंकि ये पहली बार है श्रेया के साथ मेरा भी, और तो हम दोनों में ऐसा कुछ नहीं था, तो बहुत अच्छा फ्रेंडली टाइप से हम लोगों ने ये फिल्म को पूरी किया, कंप्लीट किया। और जैसे कि ये फिल्म बताएं कि ये एक लव स्टोरी है, तो ये एक स्कूल बेस्ड, मतलब स्कूल के स्टूडेंट के ऊपर में है, जो कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन समाज में जो बदलाव आता है कि नहीं ऊंच और बड़े और छोटे और इस तरह के, तो उसके बीच में से दोनों निकल के जाते हैं, दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कुछ ऐसा होता है कि वो एक साथ इस दुनिया में नहीं रह सकते, लेकिन उस दुनिया में रहते हैं जहाँ प्यार की कद्र होती है। तो बेसिकली ये ऐसे ही एक लव स्टोरी है। आज का जो सीन हुआ है वो एक, हम साथ में मतलब मरने जाते हैं, तो वही दिखाया जो भी देखा। जैसा कि फिल्म का नाम है, आप सनम साथ निभाई जन्म जन्म, तो फिल्म के नाम के साथ ही एक है कि ये एक मैसेज दे रही है कि हम दोनों साथ में ही हैं, चाहे इस जन्म रहे चाहे किसी भी जन्म रहे। तो बस यही क्लाइमेक्स है कि हम दोनों साथ में ही जिएंगे और साथ में ही मरेंगे, और मरने के बाद भी हम लोग साथ में ही रहेंगे, और ये लास्ट फाइनली हम लोग मर गए। फिलहाल अभी भोजपुरी में नहीं है, एक हिंदी और एक बंगाली में है जो अपकमिंग है, और फिर भोजपुरी में आगे देखते हैं, अगर दर्शकों को पसंद आएगा तो ज़रूर। अभी मेरी आने वाली फिल्म पृथ्वीराज है, और आगे सरप्राइज है, बहुत सारी फिल्में हैं, टाइम है थोड़ा। दोनों साथ में ऐसे काम किए जैसे लगा ही नहीं कि हम लोग फर्स्ट टाइम एक दूसरे को मिले, या एक दूसरे से फर्स्ट टाइम हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और इस सबका श्रेय जाता है श्रेया को भी, और हमारे पूरे टीम को जाता है, हबीब सर को जाता है, जिन्होंने एक प्रॉपर एक टीम बनाकर हम लोगों ने काम किया। थैंक्स अ लॉट टू हबीब सर एंड आवर प्रोड्यूसर जी एन सिंह सर।